नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, CVT PG के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपना कट ऑफ वगैरह निकालना जो है शुरू कर दिया है। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तभी मैंने कहा था कि जिनके भी कम मार्क्स हैं वो सारे बच्चे CUSB में यानी कि साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ हमेशा कम जाती है और फाइनली जो है यहाँ की कट ऑफ लिस्ट जो है 2023 के PG एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस कोर्स का कट ऑफ कितना गया है, आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं और हॉस्टल वगैरह कितने बच्चों को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि PG से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आपको ऐसे ही उपलब्ध कराई जाती है। तो साथियों, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से CVT PG का जो पहला कट ऑफ लिस्ट है वह जारी किया जा चुका है 3 अगस्त की डेट में। और पहले भी विश्वविद्यालय की तरफ से कहा जा चुका था कि हम अपना एडमिशन वगैरह बिल्कुल निर्धारित समय पर कराने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से जारी किया जा चुका है और यहाँ पर अलग अलग कोर्स के जो कट ऑफ वगैरह हैं वहाँ यहाँ दे दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की जो जनरल की कट ऑफ है वह 210 नंबर है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल साइंस का 120 नंबर आ चुका है, लाइफ साइंस का 160 नंबर है, MSc जियोग्राफी का 129 नंबर जो है कट ऑफ गया हुआ है। पहले लिस्ट का ये सारा कट ऑफ है। और मैं आगे बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि MCOM वगैरह में 60 नंबर पे जो है एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर 60 नंबर में MCOM वगैरह में एडमिशन जो है CUSB में होने वाला है। तो देखिए, अगर आपके कम नंबर हैं साथ में CUSB में आपको एडमिशन भी मिलता है और अच्छा खासा डिस्टेंस है, अगर आपका जो घर है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक अच्छी खासी दूरी पर है तो आपको आराम से हॉस्टल मिलेगा कम नंबर लाकर भी, ठीक है ना। अगर आपके कम नंबर हैं, दूरियां अच्छी खासी हैं तो आपको हॉस्टल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ जो है वह गया हुआ है। बहुत सारे कोर्स में तो जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उन सभी का एडमिशन जो है वहाँ पर हो रहा है। जैसे कि आप MPED में देख सकते हैं सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा पहले कट ऑफ लिस्ट में ही। वैसे ही PG डिप्लोमा इन योगा में भी, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में और इकोनॉमिक्स में, यानी कि इकोनॉमिक्स में जहां बच्चे एडमिशन लेने के लिए खूब जद्दोजहद करते हैं वहीं यहां पर खूब आसानी से जितने भी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे उन सभी को एडमिशन खूब आराम से मिलेगा। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो जनरल की जो कट ऑफ है 176 है, OBC की 149 है और इसी तरह से SC ST और EWS का आप लोग देख सकते हैं 134-71 नंबर, यानी कि 71 मार्क्स पे भी एडमिशन हो रहा है। तो अभी तो यह पहला कट ऑफ लिस्ट है। अभी मैं आप लोगों को अगर बता दूं तो ये जनरल के जितने भी ये सारे मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये सब 80-90 तक चले आएंगे, ठीक है ना। तीसरे चौथे राउंड तक ये सारे मार्क्स 80-90 तक चले आएँगे और साथ ही आपको हॉस्टल भी मिलेगा। अगर आप वहां से अच्छी खासी दूरी पर हो तो आपको हॉस्टल मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, नया नया कैंपस है, नए नए हॉस्टल है, हॉस्टल की सुविधाएं, मेस की सुविधाएं सब बहुत ही बेहतरीन है। तो यह पहला कट ऑफ लिस्ट है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जिन भी बच्चों का नाम आ चुका है यानी कि जिनका भी पहले कट ऑफ लिस्ट में जो भी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनको जो है 3 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अपना पेमेंट वगैरह करके अपना एडमिशन जो है सुनिश्चित कराना होगा। आप जो पेमेंट वगैरह करेंगे इस वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, वहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शन जो है मिल जाएगा और आप अपना पेमेंट वगैरह करके अपना सीट वहाँ पर लॉक करा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आप लोग सोचेंगे कि मैं CUSB में करा लेता हूं लेकिन बाद में अगर मेरा DU हो जाता है, BHU हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए भाई, आप एडमिशन चाहें तो करा सकते हैं, बाद में अगर आप एडमिशन वहां से कैंसिल कराएंगे तो आपको जो आपका फीस है वह वापस मिल जाएगा। तो इसको लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ सेलेक्ट हुए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, एडमिशन लेने का सोचिए, क्योंकि अभी कहाँ का कितना कट ऑफ जाएगा कुछ भी कहना जो है उचित नहीं होगा। इसलिए आप लोग अगर यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं तो एडमिशन कराइए, आगे अगर जो कुछ भी होगा तो अपने हिसाब से आप लोग कीजिएगा। तो साथियों, यह बहुत ही अच्छी खबर है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम वगैरह भी दिए जा चुके हैं।
तो यही सारी खबरें रही। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।